आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च का अचार, जो बिल्कुल लाल मिर्च की तरह है। तो उसके लिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पे सरसों, जितना आपका मिर्च है उसके अंदाज से आप ले लें, तो इतना लगभग लग जाएगा। ये 250 ग्राम मिर्च है। थोड़ा लेंगे राई, उसके बाद लेंगे थोड़ा धनिया, थोड़ा काली मिर्च पाउडर में है मेरे पास, कुटा हुआ है अमचूर पाउडर, और हल्दी। और ये मिर्च का अचार है तो इसमें हम मिर्च, लाल मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे। उसके बाद थोड़ा खड़ा मसाला ऐड करेंगे जब इस मसाले को हम तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे इसमें थोड़ा साबुत सौंफ, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा मंगरैल, इसको कलौंजी भी बोलते हैं, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा काला नमक टेस्ट बढ़ाने के लिए। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा अमचूर और डलेगा इसमें, थोड़ा अमचूर, और उसके बाद इसमें डलेगा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। अब लेंगे हम इसमें मसाले को बाइंड करने के लिए ऑयल, तो यहाँ हमने मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है। इसमें डालेंगे हींग और गरम कर लेंगे इसको, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे सब्जी बनाते हैं उस टाइप का गरम नहीं करना है, थोड़ा गरम करना है, थोड़ा कलर चेंज हो जाए ऑयल का, थोड़ा और ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे और जो हमने मसाला तैयार किया है अचार का उसमें डालेंगे। अबे ऑयल गरम हो चुका है तो हम इसे धीरे धीरे अचार में डाल लेंगे, अचार के मसाले में। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नहीं डालने की जरूरत है इसमें ऑयल, तो जो बचा हुआ ऑयल है हम इसमें अचार को डिप करके रख सकते हैं। अब मैं इसे दो तरह से भरी हूँ, एक तो ऐसे भरे हैं जैसे लाल मिर्च में ऐसे भरते हैं, और एक इस टाइप से भरा हुआ है जैसे हम और पकौड़े वगैरह बनाते समय हरी मिर्च का भरते हैं ना, उस स्टाइल में भर रखा है मैंने। और एक लाल मिर्च का जो अचार भरते हैं उस टाइप से, बहुत टेस्टी बनेगी।